जय पीरां दी दोस्तों, एक बार एक जादूगर ख्वाजा गरीब नवाज जी कोल आया ते आके कहन लगा, तुसी मैनू बहुत वड्डे फनकार लगदे हो, कोई अपनी एक करामात मैनू दिखाओ। इस ते ख्वाजा गरीब नवाज जी कहन लगे कि पहला तू अपनी कोई करामात मैनू दिखा, उस तो बाद मैं तैनू अपनी करामात दिखावांगा। ख्वाजा पीर दी ए गल सुन के जादूगर कहन लगा, अच्छा तुसी मेरा कोई जादू देखना चाहते हो। इन्ना कह के उस जादूगर ने उदे कोल एक उड़ने वाली चटाई सी, वह चटाई नू उन्हें समान वालू सुट दिता। वह चटाई हवा दे विच उड़न लग पई ते आप वह छाल मार के उस चटाई ते बैठ गया। उधर ख्वाजा पीर जी ने देख के अपनिया नज़रां झुका लईया। सरकार ने पुछया, कित्थे आओ जादूगर? ता मरीद कहन लगे, ओ सानू हवा विच दिख रहा है। फिर दाता जी ने पुछया, कित्थे आ जादूगर? ता लोका ने कहा, हुण ओ बदलां दे उपर चला गया है, हुण ओ नज़र भी नहीं आ रहा। इन्ना सुन के ख्वाजा पीर जी ने अपनिया खड़ावां नू कढ़िया ते असमान वालू फेर सिट दित्तियां। ओ खड़ावां हवा विच उड़ियां, उड़दियां उड़दियां ओ भी बदलां दे कोल चलियां गईयां। हुण खड़ावां भी दिसणियां बंद हो गईयां ते जादूगर भी दिसणा बंद हो गया, क्योंकि वह दोनों ही बदलों के उपर जा चुके सन। कुछ देर मरीद आसमान वालू देखते रहे, थोड़े समय बाद ही उस जादूगर दियां चीकां सुनाई देन लग पईयां। वह जिहड़ियां खड़ावां सन वह जादूगर दे जोर जोर दे नाल पै रहियां सन। वह खड़ावां दी आवाज़ भी इन्नी आ रही सी ते वह जादूगर चीकदा चिल्लाउंदा ख्वाजा पीर जी दे कदमां विच आ के डिग पिया, मिन्नता करन लग पिया कि मैनू बख्श दिता जावे। आप सरकार ने अपनिया खड़ावां नू हुक्म कर दिता कि हुण बस करो। वह जदों जादूगर निटाल हो गया, थोड़ी जिही उहनू सुरत दुबारा आई तां ख्वाजा पीर जी नू कहन लगा, हुण तुसीं अपना कोई कमाल मैनू दिखाओ। वह जादूगर समझ चुका सी कि मैं अपनी अज तक दी सब तो वड्डी ताकत इस्तेमाल कर लई आ, पर मेरा कोई वस नहीं चलिया, मेरे सारे ही जादू फेल हो गए हैं, यह कोई नेक ते पाक रूह है। ख्वाजा पीर जी ने अपनिया अखा नू बंद किया ते अपने रूह नू आसमान वालू लेके जान लग पाए। हुण जादूगर जिहड़ा ख्वाजा पीर जी दा इम्तिहान लैण आया सी वह भी इस करामात नू जानदा सी। दोने ही आस पास बैठे हुए सन ते उन्हें भी अपनी रूह नू आसमान वालू चढ़ाउणा शुरू कर दिता। ख्वाजा पीर जी दी रूह आसमान दे विच जा पहुंची, दूसरे आसमान ते जांदी ते उधर जादूगर दी रूह भी पहले आसमान तक पहुंची। हुण जादूगरां नू इन्नी ही ताकत हासिल हुंदी आ कि ओह पहले आसमान तक ही अपनियां ताकतां चला सकदे आ, अपनी रूह नू लैके जा सकदे आ। जदों जादूगर ने देखिया कि ख्वाजा पीर जी दी रूह तां सतवें आसमान वालू जा रही आ, ता वह समझ गया कि यह कोई जादूगर नहीं आ, ये अल्लाह दा वली है, ये कोई नेक ते पाक रूह है, ये मेरे तो ज़्यादा शक्तिशाली ते ताकता रखने वाली रूह आ। जदों ख्वाजा पीर जी दी रूह सतवें आसमान वालू पहुँचन लगी ता उस जादूगर दी रूह ने आवाज़ मारी कि ऐ दाता जी, ऐ मेरी सरकार, मैनू भी अपने नाल लै चलो। तां ख्वाजा गरीब नवाज जी दी रूह ने कहा, नहीं जादूगर, इस तरह नहीं, जे तू मेरे नाल आना चाहुंदा है तां तैनू मेरे दीन दे विच आना पवेगा, मेरे धर्म विच आना पवेगा, इस तरह तू मेरे नाल नहीं आ सकदा। कहिंदे हन कि उसे वक्त उस जादूगर दी रूह ने कलमा पढ़िया ते ओह ख्वाजा पीर जी दी रूह दे नाल दसवें द्वार तक पहुँच गए। सो ऐसे हुंदे हन अल्लाह दे वली, पीरां दे पीर, एवें नहीं इन्हां नूं पीरां दा रुतबा दिता जांदा, हिंदुस्तान दे बादशाह एवें नहीं कहा जांदा। बहुत वड्डियां ताकतां हन, इन्हां नूं मन्नण वाला सदा ही खुश ते आवाद रहिंदा है, हर तरह की मंग साडी पूरी हो जांदी आ ख्वाजा पीर जी दे दर ते जाण लई। सो तुसी भी एक बारी अपनी जिंदगी विचों समां कढ के ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हां दा असल नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ, अजमेर शरीफ विच इन्हां दी मुख दरगाह आ, एक बार दर्शन जरूर करियो। इंशाअल्लाह तुहाडियां भी सारिआं दीआं आसां मुरादां जरूर पूरीआं होणगीआं।